2019 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को मैदान में उतार सकती है। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से सांसद हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस ने तेलंगाना में सभी 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। इससे पहले मिली खबर के मुताबिक आगामी चुनाव में अजरुद्दीन सिकंदराबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से फिलहाल भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बंगारू दत्तात्रेय सांसद हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्हें सिकंदराबाद की बजाय हैदराबाद से ही मौका मिलेगा।